तो क्या हाल है गाइस, आज एक अलग लेवल की आपको बकचोदी दिखने वाली है। और आप गैस कर सकते हो कि हम ऐसा कहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत देख के कि क्या होने वाला है। बट मैं आपको एक छोटा सा ब्लूपर देता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और हम फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो भी राजधानी एक्सप्रेस का। जिस भी मैं बैठा तेरा नाम लेता हूँ, इसमें हम जाएंगे मुंबई, ठीक है। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मेरा सामान वहाँ पहुँच चुका है, बट पता नहीं अब कि कैसा होगा हमारा कैबिन और क्या होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास बुकिंग करी थी, ठीक है, वो भी स्लीपर। देखते हैं कि क्या यासी चल रही होगी। तो आप लोग गेस्ट करो कि हमारा गेस्ट कौन होगा, तो हम आपको लेके चलते हैं उनके पास। भाई ये तो पूरी हॉगवर्ड्स की ट्रेन जैसी फील आ रही है, देख रहे हो बदमाशी अलग ही लग रही है। रे रे आ चुके हैं हम अपने डी रूम नंबर, मेरा सामान पहुंच चुका है, देखते हैं यहाँ पे क्या याची चल रही है। आइए व्हाट्सअप, ये देख लो गोल्डी भाई मेरे चक्कर में, ये हम पहली बार दोनों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट याची देख रहे हो गाइस, ये देख रहे हो बिजनेस क्लास फेल है यार। गोल्डी भाई को भी पसंद आया यार, ये देखो मतलब एक रूम है हमारा, ये यहाँ पे सीढ़ी है ये ऊपर चढ़ने के लिए, चद्दर गोल्डी भाई घर से लाए हैं, ये देखो पिल्लो ये देखो हमारी टेबल जहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह रख दिए, और ये एक जादुई चीज है, इसको हम खुलासा करेंगे बाद में। देख रहे हो एटीट्यूड है क्या हुआ है कुछ भी भाई, अभी जो स्कैम होते होते बचाए गए थे दो चिप्स के पैकेट की वजह से साला। इन क्या टाइमिंग है, 4:55 को ट्रेन चलनी थी और गोल्डिया ने बोला देख सामने दुकान है जल्दी से ले ले, ये रुकती नहीं है ट्रेन, ठीक है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने चिप्स के पैकेट खरीद ही रहा था, इतने में ट्रेन मूव होना शुरू हो गई, मतलब सोचो मैंने 20 रुपये दिए, वरना तो मुझे लग रहा है पहली ट्रेन हमारी लाइफ की जिंदगी की ट्रेन मिस हो जाती इन 20 रुपये की चिप्स की वजह से। बट भाई पहुँच चुके हैं हम वापस, डिस्पोजेबल मास्क लगा दिया था, अंदर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सैनिटाइज कर दिया है गोल्डी भाई ने, पूरा रूम पूरा फ्रेश हो चुका है, चल के दे रही है। ये देखो गाइस जादुई बॉक्स है, पता नहीं इसमें हम बताएंगे क्या 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 है, रिवील करेंगे। देखो खाने चिप्स विप्स सब आ चुके हैं हमारे, सैनिटाइजर्स, हमारा मॉनिटर, मेन मॉनिटर, CPU, एक और मॉनिटर। इसकी वजह से लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर मैं अभी कोरियर कराता ना तो भाई लग गए थे, टाइम कंज्यूमिंग था ना, 10 दिन में आता और 10 दिन में आता भाई, क्योंकि कोविड आपको पता है मुंबई में क्या ही हालत चल रही है, तो स्ट्रीम का आराम करते थे। अब तो जाते ही सेटअप कर लेगा कल ही, जाते ही कल ही सेटअप गाइस, सीधा स्ट्रीम, कल ही स्ट्रीम गोल्ड भाई के साथ लाइव। गोल्ड भाई आपने लाइव स्ट्रीम कर लिया हां, रेगुलर स्ट्रीमर गोल्डी में भाग रही है भाई, ये तो गलत भागेगी। बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं, उन लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं मिल रहा। गाइस सुनो, अभी 4 स्टॉप पड़ेंगे शायद या 5, हम उतरेंगे बाहर कैसे दिखाएंगे आपको बदमाशी की, क्योंकि अच्छी अच्छी जगह ही रुकेंगे। गुजरात कहाँ कहाँ है गोल्डी भाई? इसी ट्रेन में CSMT राजधानी स्पेशल में है कि शायद 2 पुल पार्ट इंजन है, कि शायद दोनों साइड इंजन है गाड़ी में, मतलब ऐसे चलते चलते हम थोड़ी देर में ऐसे भी चलने लगेंगे। मतलब मैंने कुछ आई एम नॉट हाई वेरी श्योर व्हाट इज, बट दिस इज कॉल्ड स्पेशल ट्रेन ये जो है। हाँ, बट देयर इज समथिंग स्पेशल इन दिस, अभी मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। अब मगर गाइस अभी ब्रेक लगे हैं तो थोड़ी फट गई थी गोल्डी भाई, और मैंने ये पकड़ा है यहाँ से फर्स्ट स्टॉप होगा आगरा, ओके, आगरा के बाद सेकेंड स्टॉप झांसी, झांसी, झांसी के बाद भोपाल, भोपाल, फिर जलगांव, जलगांव, नासिक, नासिक, कल्याण, कल्याण, फिर छत्रपति शिवाजी। हाँ, ये टोटल कितना घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, 18 आवर्स लग गया भाई, व्लॉग रहा क्या भाई, क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया गाइस, सामान गिर गया। ये गोल्डी भाई ने पहली बाइट ली है, करेले की लो ना स्पेशल, आप पहले करेला गोल्डी भाई का फेवरेट, मजा आ गया। कैसा है गोल्डी भाई, सही में अच्छा है, मगर ये आगरा तो लग नहीं रहा किसी एंगल से यहाँ से, गाइस इसको इग्नोर करना, विश्वास नहीं हो रही ये ट्रेन ऐसे चल रही है गाइस, ठीक है। और गोल्डी भाई बोल रहे ड्राइवर यहाँ बैठा है पीछे पीछे, हाँ ड्राइवर पीछे बैठा है यार, गोल्डी भाई ट्रेन ऐसे जा रही है, ड्राइवर पीछे बैठा है,
तो इसमें इंजन लास्ट में हाँ. एक कैमरा है फ्रंट में हाँ. और ड्राइवर के आगे स्क्रीन है हाँ. और ड्राइवर स्क्रीन को देख के ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है. मेट्रो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेट्रो में तो आगे होता है. गोल्डवे मेट्रो में कहीं से भी चला लेते हैं वो, जहाँ पे उस बंद. यार एक बात बताओ गोल्डवे कैमरा पे ड्रिल आए करेंगे आगे कुछ आ रहा है. गाड़ी है जो स्टेयरिंग घुमाएगा, वो खाली इनको अपने वो रेलवे ट्रैक्स का ही तो ट्रैक रखना है बस. ट्रैक के टाइम पे बस ट्रेन को डिसाइड करना है कि किस ट्रैक पे चेंज करना है. बट आपने बोला था ये स्पेशल ट्रेन है, इसमें दो इंजन है. सच में तो गोल्डी भाई ट्रैक इंजन बोल के है यार. गोल्डी भाई बंदा ऐसे चला रहा तो आगे बैठेगा ना. मैं हंस क्यों रहे हो फिर आप? एक स्कैम जो हुआ था सर देख लो गाइस, बोलते अभी आपको मसाला नूडल्स चाहिए या चिकन? मैंने बोला यार मुझे लग रहा है बढ़िया मैगी बना के देंगे भाई, ये पकड़ाइए. पता नहीं गुलमे इसमें से सरसों के तेल के पता कैसे आ रही है, कुछ अलग सा है. मुझे लग रहा है सब टेस्ट कर करके दे रहे हैं. ऐसा खाऊंगा नहीं कुछ कैसे मैगी है तो है ही. इसमें पानी डाला है, टेस्ट करके नहीं देंगे गुलमे, ऐसा नहीं होता. अगली बार तो मुझे पक्का 100% यकीन है कुछ उसने एक चम्मच मारा है फिर मेरे को दिया. यार ऐसे मत बोलो गुलमे भाई प्लीज. तभी सरसों का तेल आया ये बार देखना सुन के. मैं सोता गुमनाम होता हूं तेरे ख्याली बस. ये बेड हो जाएगा नीचे और मैं यहाँ लेट जाऊंगा. मैंने ऑफर दिया था गोल्डवे को ऊपर लेटने का, बट फिर मेरे को रिस्क था अपनी लाइफ का. गोल्डवे ने ऐसा बोला कि वाला अगर कुछ होता है तो मैं यहाँ हूँ, गोल्डवे वहाँ तो यहाँ आएंगे तो मैं तो जॉ डैड. तो गाइस अब देखते हैं खाने खा, नहीं गुल्ले खाना ना तो नहीं मिलेगा ना हमको. जिस एडिटर पे डाला ना कि तूने तेरे को तेरी लाइफ का रिस्क है मैं ऊपर से होगा उसकी ड्यूटी खत्म है सेट. गाइस कट कर देना, मास्क आ गया बीच में, ये वाला कट कर देना भाई. इसको कैसे उतारे नीचे? भाई लॉक होगा. बस हो गया. क्या हो गया? रुको हो गया. ये गोल्डी भाई रुको सुनो, मुश्किल लग रहा है. मैं नीचे लेट सकता हूँ गोल्डी भाई. गोल्डी भाई देख ट्राई कर ले तभी तो बोल रहा हूँ, मर लेगा ऊपर जाके. गोल्डी भाई आप मेरे को डर के लिए हट जाओ यहाँ से जा. आप एक डर के लिए हट जाओ एक बार, मुझे डर लग रहा है. मैं संभाल लूंगा गिरेगा तो जा. फोन ना गिर जाए और महंगा पड़ जाएगा. फोन नहीं गिरना चाहिए, तू गिरे कुछ और कुछ और चलेगा. मिशन सक्सेसफुल गोल्डी भाई. आप आओगे ऊपर? सही तो है दिखा. ये देख लो गाइस कैसे लेट के जाने डर लग रही है. अब इसके नाटक शुरू होंगे. ये गिरना जाए थोड़ा सा वेट मेरा हैवी है ना. है हैवी वेट है. हाँ पूरा लेटना क्या ये गोल्ड में लेटते कौन बनाता है यार? पूरा पूरा अंदर जा दिखाना है मुझे. भाई टायर्ड हो गए हैं भाई, फुल टायर्ड. आई डोंट नो कि मुझे नहीं लगता शायद हम पूरा आपको वो मतलब जैसे होता है ना कि दिखा पाएं कि क्या होगा अगला स्टॉप क्या होगा. सो भी सकता हूँ ऑब्वियसली यार, बट लेट्स सी कि कितनी देर तक जगते हैं. तो गाइस पैंट्री शूट हमें अलाउड नहीं था, बट आप सोच सकते हो कि जितना नीट एंड क्लीन ये पैंट्री है जहाँ पर सारा सामान मिलता है हमारा खाने का या जो भी आ रहा है. तो ये देखिए आप सेकंड वाली ये है. ये देखो सारा सामान फुल हाइजीनिक एंड सुपर क्लीन, एवरीथिंग इज क्लीन एंड नीट. मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लीन, मतलब इन्होंने बहुत मेंटेन कर रखा है कि यार सब कुछ कर सकते हैं. अब अभी हम करेंगे शायद ये अपना क्या बोलते हैं डिनर, एंड हमारा डिनर आ चुका है. एंड लेट्स सी कि कैसा टेस्ट करता है. कि उल्टे बोलते 4.9 रेटिंग है इस खाने की. मैंने बोला भैंस की आँख 4.9 तो जोमेटो में भैंस की आँख 5 स्टार तक नहीं होता. बट देखते हैं, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कि यार फालतू की मीटी में पता चला ट्रेन में छूट जाए लेने के देने पड़ जाएंगे. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुके हैं सुबह के 7:02. हमारी चाय आ चुकी है, गोल्डवे ऑलरेडी चाय पी रहे हैं और पता नहीं हमने क्या क्या मिस कर दिया है. बहुत अच्छी नींद आई है मगर मैं तो पूरा डेड हुआ हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि ना मेरे पास पिलो था, बस एक कंबल था जो सहारा था भी, ऊपर ठंड लग रही थी.
मगर अब देखते हैं कौन सा सेशन आएगा, हमें कितने मिस किए पता नहीं गाइस, बट चिलिंग चाय गुड मॉर्निंग गाइस, मिलते हैं हम आपको कोई स्टेशन आएगा तो। अगले स्टेशन पे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं एक डेस्टिनेशन नासिक। गुलडेर को वड़ा पाव खाने का मन था, मैंने पूछा उनसे कि कितना टाइम लगेगी, तो देखो भाई तुम्हारा भाई वड़ा पाव ले गया, अरे वाह। बट एटलीस्ट यार मेरे को तो लगा भाई इसका स्कैम ना हो जाए, वो पहुँच गए भाई, गुलडेर खुश हो जाएंगे कि वड़ा पाव आ गए। क्या भाग के लेके आऊं रे मैं गुल्डू भाई, तब से आगे ले दुकान पे था, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। करते सवाल है 10 जवाब तो एक का भी नहीं है, पर तेरी यादों को सुन के गाइस हम आ चुके हैं मुंबई और डबल मास्क की सिक्योरिटी के साथ, भैंस की आँख बहुत ज़्यादा कोविड आपको पता है कि ज़्यादा केसेस आए हैं, तो पूरी देखो गोल्डी भाई पूरा स्प्रे व्रे लेके चल रहे हैं आगे, और सामान आ चुका है, दो कुली सारा सामान जा रहा है, अब पता नहीं हमें कौन लेने आया है पर मुझे पता है मर से बाहर तो ज़रूर आएंगे बाहर, देखते गाइस। हेलो भाई ऐसे फिश बम तो दे दो, तेरा दिल घबराता है क्यों, तेरे बारे जो जो बस मन मेरा चाहता है, चाहता तो बहुत कुछ पर नसीब कहाँ, कहना तो बहुत कुछ पर काफ़ी मशक्क़तों के बाद गाइस हम आ चुके हैं अपने घर के पास, एंड बहुत अच्छी जर्नी थी, उमंग ने पूरा अच्छा लग रहा है पूरा दर्शन करा दिया मुंबई का, वो मतलब ऐसे ना सीधा रास्ता जा रहा है घर का हमारे, 1 hour 10 minutes, लेफ्ट लेन जा रही है जिसमें लिखा है 34 minutes स्लो, भाई ने लेफ्ट ले लिया, डरते हैं क्या, तो वही है, बट इट वॉज अ नाइस ट्रिप, बहुत मज़ा आया, राजधानी फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया, एंड अभी हम घर पहुंच जाएंगे, तो अब देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाएगा, बट थैंक यू गाइस फटाफट से लाइक कर दिएगा, और जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आ जाता है ठीक है कर देना, और ऐसे हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे जिसमें कुछ ना कुछ करेंगे, एंड जस्ट पहला ट्राई था तो आप लोगों को पसंद आएगा, थैंक यू गाइस। जो जी ओके बोलते बाल खराब हो गए, सॉरी, चलो बाय बाय सी या।